Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Divedi and you are watching Economics Easy है. देखिए दोस्तों, अभी आपको recently एक न्यूज़ मिली होगी कि G20 जो है उसकी मीटिंग अभी 9th और 10th सितंबर को भारत के दिल्ली के अंदर हुई है. अब बात ये उठकर आती है कि इस G20 के अंदर कौन कौन से आउटकम्स निकल के हैं, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा और इंडिया के अलावा जो कंट्रीज हैं उनको क्या बेनिफिट होगा. इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर मैं यही लेकर आया हूँ. इवन इन दो दिनों के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर. तो चलिए शुरू करते हैं. वीडियो की स्टार्टिंग में करने जा रहा हूं अपने पास इस बात को लेकर कि G20 आखिर है क्या. तो हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल सारी चीजें यहां पर करेंगे, तो वीडियो को टिल एंड तक देखना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा ये G20 है क्या और इसको बनाने के पीछे क्या रीजन था. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, G20 में G का मतलब होता है ग्रुप, 20 का मतलब होता है नेशंस. ग्रुप ऑफ 20 नेशंस को ही G20 बोला जाता है. ये G20 जो है वो ईयर 1999 के अंदर बनाया गया था, जब एशिया में देखे गए थे फाइनेंशियल क्राइसिस और ये देखा गया कि उन फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर बहुत सारी इकॉनमी जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है. कोई भी देश कभी डूबे ना, इस उद्देश्य को आगे लेकर कई सारे लोगों ने ग्रुप बनाया. यहाँ पर कई सारे लोगों से मेरा मतलब है कई सारे देशों ने मिलकर यहाँ पर ग्रुप यानी अलायंस बनाने की कोशिश की, जिससे कल को किसी भी देश को फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने की जरूरत ना पड़े. और इसकी जो पहली मीटिंग है वो वॉशिंगटन DC यानी अमेरिका के अंदर हुई थी. इसके बाद क्या होता है, ये मीटिंग हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में होती रहती है और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन लेवल पर हर किसी को मिलती रहती है, क्योंकि इसका अपना कोई मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नहीं है, जिस वजह से इसकी मीटिंग किसी एक स्थायी जगह पर ना होकर ये अलग अलग जगहों पर होती रहती है और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है. लास्ट ईयर जो प्रेसिडेंसी थी G20 की वो थी इंडोनेशिया के पास, इस वक्त जो है वो है भारत के पास और अगले साल यानी 2024 में ये पहुंच जाएगी ब्राजील के पास. इसीलिए इसको ट्रॉयका के नाम से भी जाना जाता है. ट्रॉयका इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, जिस तरह से तीन घोड़े होते हैं उनको हम ट्रॉयका बोलते हैं, यहां भी ट्रॉयका का मतलब यही है. जो पीछे का था लाइक इंडोनेशिया, करंट में है इंडिया और फ्यूचर में क्या बनेंगे ब्राजील, इसको बोला जाता है ट्रॉयका. तो मैं आपको बताता हूं G20 के अंदर जो 20 नेशंस है, रियलिटी में क्या 20 देश होते भी हैं. तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर सिर्फ 19 देश हैं और एक तो एक यूरोपियन यूनियन है, यानी वो अपने आप में कोई कंट्री नहीं बल्कि एक ग्रुप और एक अलायंस है, कंट्रीज हैं, लेकिन एक यहां पर क्या है यूरोपियन यूनियन नाम का एक संघ है, एक यूनियन है. यानी कि यूरोपियन यूनियन क्या था, एक कई सारी कंट्रियों का एक ग्रुप था. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 27 कंट्रीज का ये ग्रुप हुआ करता था जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं. इसको भी एक कंट्री की तरह ही ट्रीट किया गया है और 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, इनको मिला के बनती है 20 कंट्रीज और ये 20 कंट्रियां मिलकर बनाती है हमारे यहां पर क्या G20, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस. तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहां पर कि जो अर्जेंटीना है ये अपने आप में एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड कंट्री है, इसके बाद आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम जिसको UK बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA और यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल होते हैं. ठीक है, तो देखिए अब ये जितने भी 20 नेशंस हैं, इन 20 नेशंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा पावर प्रेजिडेंट्स को दी गई वो प्रेजिडेंट आएंगे और जिस जगह पर पावर प्राइम मिनिस्टर्स को दी गई है वो प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर विजिट करेंगे. ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर कि ये जो 20 देश हैं ये तो एक परमानेंट हो गए एक तरह से, लेकिन कई सारे ऐसे भी स्टेट्स हमें इन्वाइट कर सकते हैं जिनका हमसे कोई लिंक है बट वो परमानेंट मेंबर्स नहीं है. जिस तरह भारत के कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अलग अलग कंट्रीज के साथ है, भारत ने कई सारे लोगों को यहां पर इनवाइट किया हुआ है. भारत ने इनवाइट किया हुआ है बांग्लादेश को, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर्स को, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को, ओमान के हेड ऑफ स्टेट्स को, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर्स को और UAE के प्रेसिडेंट को, और साथ के साथ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF वगैरह होती है उनके भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बुलाया गया. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रिस्टिलिया जियोर्बी है ये क्या है IMF की हेड है, और इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो हेड है वो है अजय बांगा. ये जो हमारे ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं और साथ के साथ कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, हमने इन सभी को यहां पर इनवाइट किया हुआ है. तो अगर आप देखें तो अराउंड 7 कंट्रीज आएंगी जिनके हेड्स को हमने इनवाइट किया हुआ है और कई सारी इंटरनेशनल फंड्स हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लाइक वर्ल्ड बैंक, ये सब इन सब की जो हेड्स हैं इनको भी हमने इनवाइट किया हुआ है. तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्त जो भारत में दिल्ली के अंदर दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो यहां पर अभी स्थित हैं.
अब बात करते हैं कि G20 के अंदर कौन कौन से एजेंडास को सामने रखा गया और किस तरह से भारत ने अपनी बातों को दुनिया के सामने रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रिसेंटली अभी ही यानी 10 तारीख को 10 सितंबर को वर्ल्ड बैंक और IMF की एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है और उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि भारत ने पिछले 47 सालों का काम 6 सालों के अंदर कंप्लीट करके दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47 ईयर का काम इंडिया ने 6 सालों के अंदर कंप्लीट कर दिया और उन्होंने इसको एक नाम दिया है जिसका नाम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि नाम से हमको समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बताना की कोशिश की जा रही है कि इंडिया ने डिजिटली किस तरह से अपने आप को रैंप अप किया, किस तरह से बूस्टअप किया, किस तरह से इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को जो है वो भारत में और इससे जुड़े हुए कई राज्यों के अंदर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत सारी तारीफें की जाती है और कहा जा रहा है कि 47 साल वाला काम 6 साल के अंदर यहाँ पर कंप्लीट किया गया। इसके अंदर चार चीज़ें बोली जाती हैं। सबसे पहला UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जो ट्रांजेक्शन होती हैं, आदान प्रदान होता है कैश का, वो कैशलेस इकोनॉमी को भारत ने प्रमोट किया है UPI के माध्यम से। और जहाँ तक मुझे आइडिया, आप लोगों ने भी UPI का यूज़ किया ही होगा, चाहे वो भीम पे, मोबाइल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सभी मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं आपने UPI की ट्रांजेक्शन्स को ज़रूर किया होगा और देखा होगा कि UPI कितना सेफ मोड है, कितना सीमलेस तरीका है ट्रांजेक्शन्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने का और कैशलेस इकोनॉमी को यहाँ पर प्रमोट करता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं ये डिजिटलाइजेशन को क्या दे रहा है, एक बढ़ावा दे रहा है। सेकेंड पॉइंट इज डिजी यात्रा एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा रही भारत के द्वारा जिसके अंदर जो एयरपोर्ट पर जब कोई इंसान अपनी यात्रा के लिए जाएगा तो एयरपोर्ट पर उसके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो उसके फेस को क्या करेगा, पूरी तरीके से स्कैन कर लेगा और वो आपकी पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर में आपने किन चीज़ों के लिए टिकट्स वगैरह बुक किए वो पूरी जानकारी आपको तुरंत ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देगा। कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से हमने क्या किया, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। थर्ड पॉइंट बोला गया जनधन अकाउंट और यहाँ पर IMF ने खास तौर पर बोला है कि किस तरह से जो भारत में देखा जा रहा है कि छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे जो अकाउंट्स होल्डर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यानी हर इंसान के पास आज के में अपना क्या है, बैंक अकाउंट है, जो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमोट करता है कि जो जनधन अकाउंट जो स्कीम हमने चलाई थी वो कहीं ना कहीं हमारे डिजिटलाइजेशन को क्या कर रही है, रैंप अप कर रही है और फोकस कर रही है। फोर्थ हमारा मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी आज की डेट में देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी ना हो। वो बता रहे लोग मोबाइल रखना पसंद ना करें लेकिन मोबाइल की कनेक्टिविटी हर जगह पर दी गई है, गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक को मोबाइल की कनेक्टिविटी से यहां पर जोड़ा गया और यही चार चीजें मिलकर बनाती है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वही पॉइंट यहां पर बोला है G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी इस मीटिंग को एक एजेंडा के थ्रू नाम दिया गया जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके अंदर इन पॉइंट्स के बारे में बात की गई। सबसे पहला पॉइंट, UPI आधार ONDC कोविन प्रोग्राम ने कहीं ना कहीं डिजिटल पब्लिक इंटरफेस को इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है, बूस्टअप किया हुआ है, बूस्ट मतलब बढ़ाने का काम किया है। सेकेंड पॉइंट, द रेट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीजेस फ्रॉम 25% to 80%, यानी कि पहले जो हमारे यहाँ पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कौन सा वाला, डिजिटल वाला, वो 25% था, जो अब बढ़कर हो गया है 80%। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि भारत जो है वो अब अपनी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उस गति को वो बढ़ा चुका है। थर्ड पॉइंट, हेल्प टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो सिर्फ पब्लिक कॉर्पोरेट्स को ही नहीं बल्कि प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आप जो है अपने आप को रैंप अप और बूस्टअप होता हुआ देख पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन गोज डाउन बाई 66%, जो पहले फ्रॉड के जो केसेस हुआ करते थे उनमें जो हमारा खर्चा आता था वो 66% से डाउन हो गया, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है, कहीं ना कहीं हमने चीज़ों को बहुत सिक्योर कर दिया, तो अल्टीमेटली फ्रॉड करने की जो हमारी कॉस्टिंग आती थी वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई, और कितने रेट से, 66% से। इसके बाद है UPI ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 1/2 ऑफ द GDP, जितनी इंडिया की GDP है उसके आधे से ज़्यादा तो हम UPI में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है अगस्त 2023 की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर अराउंड 10 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की गई। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये अराउंड 15.7 लाख करोड़ की बनती है, यानी इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर की गई। और खास बात जानते हो क्या है, UPI को प्रमोट करने के लिए अभी G20 के अंदर जो ऑफिशियल्स आए थे उन सभी के UPI खाते के अंदर 1,000 रुपये भारत ने डाले और कहा कि इसका इस्तेमाल आप हमारे इंडिया के अंदर जब आप पेमेंट करो तो आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखना। तो कहीं ना कहीं हम उनको
ईजिली सिखाने की कोशिश करें कि यूपीआई हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यूपीआई जो है अब वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया ने इनके कई सारे देशों के साथ टाइप भी किए हुए हैं और अब यूपीआई धीरे धीरे कई सारी कंट्रीज में क्या होता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है। और यूपीआई को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी का नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर है कि भारत सिंगापुर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूपीआई डील, और फरवरी 2023 के अंदर एक डील हुई थी हमारे सिंगापुर के साथ, तो कहीं ना कहीं अब हमारा जो कवरेज है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के अलावा भी कई सारी कंट्रीज में होता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने बिल्ड किए वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल G2P आर्किटेक्चर, यानी ये सारे पॉइंट हमको ये बताते हैं कि किस तरह से जो भारत है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज्यादा आगे हो गया। तो ये पॉइंट था। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत डिजिटल यात्रा एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर हमने अभी G20 की जो प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स, बड़े बड़े इकोनॉमी के जो लीडर्स हैं वो भारत में आए। अब जब वो भारत में आए तो हमने उनको प्रगति मैदान में ये दिखाया कि किस तरह से भारत जो है वो आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो भी कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सा बताओ, ये रहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। और मैं आपको पॉइंट्स बता दूं ऐसी कौन कौन सी चीजें भारत ने इस मुहिम के अंदर चलाई, इस मीटिंग के अंदर दिखाई, जिससे लोगों को ये समझ आने लगा कि भारत जो है वो डिजिटल के अंदर बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। पहला पॉइंट है प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल इन G20 मीटिंग एंक। अब यहाँ पर सुनिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर हम अपने आप को बहुत आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत क्या हुआ कि एक एंकर बनाई गई, और वो एंकर क्या करती है, जितने भी विदेशी लोग यहाँ पर भारत में आए हैं इस G20 मीटिंग के अंदर, वो उनके फेस को रिकॉग्नाइज करती है और उनसे उन्हीं की भाषा में बात करती है, और भारत के इतिहास के बारे में वो बताती है उन्हीं की लैंग्वेज में। यानी अगर जो बाइडन जो है वो AI टेक्नोलॉजी के सामने अगर आके खड़े हो जाते हैं तो वो उनको फेस को स्कैन करके अंदाजा लगा लेगी कि ये कौन सी लैंग्वेज में और कौन सी टोन में बात करते हैं, सेम टोन के अंदर वो आपको आपका रिप्लाई भी देगी। तो कहीं ना कहीं हमने क्या दिखाने की कोशिश की है, हमने भारत की हिस्ट्री को बताया वो भी उन्हीं की लैंग्वेज में, तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करें, प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन जो भगवत गीता है, आप उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो AI के सामने अपना क्वेश्चन रखिए, वो आपको आपकी ही रीजनल लैंग्वेज के अंदर क्या देगा, आपको रिप्लाई देगा। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं AI का रोल कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सेकंड पॉइंट, भारत ने अपने आप को हमेशा ये बताया है, जैसे कहते हैं ना भारत इज द लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, वैसे ही भारत आजकल पिछले कुछ सालों में दिखा रही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक। तो भारत ने अपने उस पूरे इवेंट के अंदर इस तरह के थीम्स लगाए जिससे ये ऐसा प्रूफ होता है कि भारत में रियलिटी के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसकी माँ पाई जाती है, मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी सब तो उसके क्या है, बच्चे हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर हमने अपनी डेमोक्रेसी को दुनिया के सामने रखा और उनको रिप्रेजेंट किया कि किस तरह भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका थर्ड पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, उसको उजागर करने के लिए कि कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है, इसको ये देखने के लिए एक हमारे वहां पर एक डांसिंग गर्ल है जो वहां पर लगाई, उसका एक स्टैचू लगाया गया है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि भारत अपनी पुरानी सभ्यताओं को आज भी संभाल के रखता है और उनकी अच्छी चीजों को आज भी अडॉप्ट करते हुए रखता है। यानी भारत ने अपनी हिस्ट्री को अपने प्रेजेंट के साथ क्या किया, इंटरलिंक करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। फोर्थ पॉइंट, प्रमोट इंडियन ओरिजिन एंड ओरिजिनैलिटी। यहां पर क्या किया गया कि जो भारत की मेन ओरिजिनैलिटी है उस पर यहाँ पर फोकस कराया गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर ओरिजिनैलिटी को लेकर भारत ने कई सारी चीज़ें यहाँ पर की है, कई सारी चीज़ें किस तरह की हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता होगी, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद, डेमोक्रेटिक, जैन, बुद्ध, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, कृष्णा, अकबर, छत्रपति शिवाजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन, ये सारी जो हमारी पुरानी चीज़ें थी उनको यहाँ पर प्रमोट किया गया विद हेल्प ऑफ AI, विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं भारत ने ये दिखाया कि आप ऐसा मत सोचो वर्ल्ड की इकॉनमी कि तुमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है भारत सिर्फ उसी को फॉलोअप करता है, भारत का अपना भी पिछला बैकग्राउंड है जिसके चलते आज भारत यहाँ पर पहुँचा है। तो इस तरह से भारत ने अपनी हिस्ट्री को किस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड की जो मीडिया है और जो वर्ल्ड के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके पूरी नजर कहां पर है, भारत पे। तो अगर भारत अपने बैकग्राउंड को दिखाएगी तभी लोगों को समझ आएगा कि भारत जो है वो अपने आप में आज का बनाया हुआ देश नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर बैठा हुआ है। इसके बाद सन टेंपल की यहां पर बात की जा रही है, आप यहां पर देख सकते हैं कई सारे, आपने ये फोटो आप जो देख पा रहे हैं इसके अंदर आप देखो जो सन टेंपल हमारे ओडिशा में एक सन टेंपल है, उस सन टेंपल के अंदर ये जो व्हील आप देख पा रहे हैं ये व्हील लगा हुआ है, मोदी जी ने इसको अपने बैकग्राउंड में रखकर ये दिखाने की कोशिश की है कि पुराने सभ्यता के अंदर 13वीं शताब्दी के अंदर 13th सेंचुरी के अंदर हमारे पास
एक ऐसी घड़ी थी जो सूर्य के मूवमेंट से ये बता देती थी कि समय कितना हो रहा है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पहले हमारे यहाँ पर एंशियंट टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। और इस बात को प्रचार के तौर पे इन्होंने अपने बैकग्राउंड के अंदर इस चीज़ को थीम को लगा के ये प्रूफ कर दिया कि भारत के पास पहले ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी के अभाव में भी ज्ञान इतना ज़्यादा था कि उनके पास सारे इक्विपमेंट्स हुआ करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो सन टेम्पल का जो ये जो उड़ीसा में स्थित है उसका जो ये थीम लगाया इन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करता है। अब होता क्या है कि लोगों की जब नज़र इस पर पड़ती है तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा जागती है वर्ल्ड लेवल पर कि भारत में ऐसा कौन सी घड़ी है जो वहाँ पर बनी हुई है जो पहले के ज़माने में सूर्य की किरणों से बता देती थी कि इस वक्त टाइम कितना हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इस मंदिर की, इस सन टेम्पल की खास बात ये है कि इसके अंदर जो है 12 यानी 24 व्हील्स लगे हुए हैं जो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं 24 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर 7 जो हैं वो बनाए गए घोड़े, यानी ये 7 घोड़े रिप्रेजेंट करते हैं 7 दिन को। तो ये पुरानी मान्यताएं हैं, इसको कहीं ना कहीं मोदी जी ने प्रमोट करके टूरिज्म को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स आए हैं वो भारत आकर इतने ज्यादा खुश हैं, और आप ये मान के चलिए कि ये जितनी भी मीटिंग्स भारत के अंदर हो रही हैं, जो वर्ल्ड क्लास के लीडर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इकॉनमी के लीडर्स आ रहे हैं जिनसे हमारे इतने अच्छे रिलेशंस बन चुके हैं, कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल देश को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। और आप ये मान के चलिए ये मीटिंग नहीं बल्कि ये कई सारे देशों को इंटरलिंक करने की एक प्रोसेस है। कई सारी कंट्रीज ने ऐसा बोला कि भारत में जो ये G20 मीटिंग हो रही है हम इसके अपोजिशन में जाएंगे। भारत को कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लड़ाई दंगे चल रहे हैं, जैसे अभी आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उस मुद्दे को यहाँ पर उठाना चाहिए। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से जो है इस मुद्दों को यहाँ पर टैकल किया गया। तो अब बात करते हैं कि G20 मीटिंग के अंदर जिन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ उससे क्या क्या आउटकम्स निकले, मतलब मेन जो थ्योरी है वो अब हमारी शुरू होती है। अब आपको समझ में आएगा क्लियरिटी के तौर पे कि G20 में आउटकम्स क्या क्या निकले और भारत ने किस तरह से इनिशिएट लिया। सबसे पहला पॉइंट, नाउ G20 इज नॉट अ G20, इट्स कॉल्ड वी अ G21। क्या सर, अब G20 नहीं रहा? नहीं, अभी G21 बन गया। यानी भारत के प्रेजिडेंसी के अंदर भारत ने अफ्रीकन यूनियन को क्या बना दिया, एक परमानेंट मेंबर बना दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अफ्रीकन यूनियन है ये सन 2002 में बनाई गई थी, जिसके अंदर 55 कंट्रीज आती हैं और 55 कंट्रीज का अपना एक ग्रुप है जिसको अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है और इनका एक हेड पर्सन है। तो हुआ ये कि क्योंकि अभी प्रेजिडेंसी भारत के पास है तो भारत ने बताया कि दुनिया में ग्लोबल लेवल पे हर देश को अपना रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए और इस रिप्रेजेंटेशन को रखने के लिए हमें अफ्रीकन यूनियन का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल में जो हमारे पास 20 कंट्रीज थी, जैसे आप जानते हैं 19 उसमें कंट्रीज थी, एक आपका यूरोपियन यूनियन था, अब एक और यूनियन जुड़ गया जिसके अंदर क्या, जिसको क्या बोला जाता है, अफ्रीकन यूनियन, जिसके अंदर 55 कंट्रीज और ज्यादा है। यानी अब कहीं ना कहीं जो हमारा स्कोप है, जैसे मैं हम बताते हैं ना 80% GDP जो है वो G20 के अंदर है, अब वो और ज्यादा इनहांस हो गया। अब हमारा लेवल उन इकोनॉमीज पे भी पड़ने लगा है जिन इकोनॉमीज को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था। और किस तरह से नरेंद्र मोदी ने, और मैं आपको बता दूं कि जय श्रंगाचार्य ने बड़े ही प्यार से उनको लेने गए और उनको रिसीव करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के पास लेकर और बकायदा उनको सीट दी गई और उनके एक टैग लगाए उनके फ्लैग के साथ। तो कहीं ना कहीं उनको कितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, और ये उनको नहीं बल्कि उन 55 कंट्रीज को रिस्पेक्ट दी जा रही है जिनको ग्लोबल लेवल पे कभी कोई नहीं सुनता था। तो अब आपको मैं बता दूं ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब जो अफ्रीकन यूनियन है वो हमेशा याद रखेगा कि भारत ही वो था और दिल्ली का जो समिट था उसी समिट के अंदर हमको जो है एक परमानेंट सीट यहाँ पर दी गई। तो नाउ G20 इज नॉट बी G20, इट्स कॉल्ड बी अ G21। तो पहला आउटकम ये निकला। सेकंड आउटकम है हमारे पास इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाइना रोड बेल्ट इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव है जिसके तहत चाइना क्या करता है, यूरोपियन यूनियंस यानी यूरोपियन कंट्रीज में अपना माल भेजने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक बेल्ट यानी एक रोड, एक ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज़ किया जो कि पाकिस्तान से होकर निकलता था। उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए किस तरह से हम पाकिस्तान की हेल्प से रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव बना रहे हैं और जो चाइना से सीधा माल कहाँ जाएगा, यूरोप में। तो इससे कहीं ना कहीं चाइना का जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन चाइना की एक डोमिनेंसी भी देखी जा रही थी यहाँ पर कि चाइना इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को बनाकर इसमें जाने वाले लोगों से वो टोल का पैसा
पैसा लिया करेगी। अगर कोई दूसरी कंट्री उनके रोड पर अगर माल भेजना चाहती है तो उनसे पैसा लेगी। लेकिन अब उसका एक सब्स्टिट्यूट मिल गया। हुआ ये कि जो सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट है और यूएसए और इंडिया, वैसे सऊदी अरेबिया और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ना, इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। क्योंकि जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बनने वाले थे, उन्होंने कहा था अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो सऊदी अरेबिया के जो प्रेसिडेंट है उनको मैं जेल भिजवा दूंगा। तो सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि जब ऐसी आप थिंकिंग रखते हो तो हम तो अपना रिलेशन चाइना से रखेंगे, यूएसए से नहीं रखेंगे। और मोदी जी ने वो काम करके दिखाया जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं करके दिखाया। आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरह से मोदी जी ने दो दुश्मनों को एक साथ जोड़कर दोस्ती में कन्वर्ट कर दिया और ये बोला कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो दोस्ती रखनी पड़ेगी और छोटी छोटी बातों पर इस तरह से तकरार नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं इससे समझ में आता है कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, यहाँ से हमको सीखने के लिए मिलती है। अब जब दोनों एकजुट हो गए तब हुआ ये कि इंडिया ने कहा कि अगर इंडिया को यूरोप का एक्सेस चाहिए तो उसे बहुत घूम के जाना पड़ता था। अब वो ये चाहते हैं कि वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अपनी रोड्स को बनाए, रेलवे ट्रैक्स को बनाए और यूरोप तक अपना माल पहुंचाए। और इसी इनिशिएटिव को नाम दिया है इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कि कनेक्ट करेगा मिडल ईस्ट टू यूरोप। ठीक है, मतलब ईस्ट जो कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनको यूरोप से कनेक्ट करेगा और वो भारत से कनेक्ट होंगी। तो ये पूरा रूट मैप है, आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट से शिप के थ्रू माल जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और UAE से फिर वो माल लैंड के थ्रू, और लैंड के थ्रू वहाँ पर रेलवे ट्रैक हम लोग बिछाएंगे क्योंकि हम रेलवेज के अंदर बहुत माहिर है, हम ट्रैक वहाँ पर बिछाएंगे क्योंकि वहाँ रेलवे कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। UAE से जो रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा वो सीधा जाएगा आपका इसराइल की ओर, और इसराइल से वो माल फिर से शिप के थ्रू ग्रीस को जाएगा और ग्रीस से हमें यूरोप का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। और इसी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को जो नाम दिया गया दैट इज इंडियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। और जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन ट्रेड हमारे यहाँ पर ज़्यादा होगा, फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पर ज़्यादा आएगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करेंगी, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने स्मार्ट ट्रैक खेलते हुए कहीं ना कहीं एक सिक्सर मार दिया है एक मैच के अंदर, और उन्होंने दो देशों को मिलवा के अपना फ़ायदा कर लिया, और अपने ही नहीं बल्कि सबका किया, लेकिन ज़्यादा फायदा थोड़ा हमारा है। तो कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा हमारे लिए हुआ। थर्ड चीज है, भारत एंड यूके एग्री हो चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लेते हैं। अगर वो दोनों दोस्त बन जाए तो वो कोई टैक्स नहीं लेगा। इससे क्या होगा, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगा, माल कम रेट पर बिकेगा तो ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि प्राइस कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर दो देश ऐसा कोई एग्रीमेंट कर ले जिसमें आदान प्रदान यानी सेल परचेस करते वक्त आप कोई टैक्सेस नहीं लोगे, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सोनक, जो कि इंडिया के ही, इंडियन ओरिजिन के ही है, हमने उनसे एग्रीमेंट किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अब इंडिया और यूके जो ट्रेड करेगा उसके ऊपर कोई टैक्सेस इम्पोज नहीं किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, व्यापार हमारा बढ़ेगा, दो देश की जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा डेवलप होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इंडिया ने बहुत पहले, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था जिसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर है। ये अलायंस बनाने के बाद भारत ने एक और अलायंस बनाया जिसको बायोफ्यूल अलायंस के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये भी भारत ने ही इनिशिएट किया, यानी अभी तक आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ रहे थे, अब आपको एक और अलायंस पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसके अंदर 11 कंट्री हैं और 3 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर है, जैसे एक तो भारत हो गया, एक अमेरिका हो गया और एक अपना ब्राजील हो गया। ये 3 मेंबर आपके फाउंडिंग मेंबर है, टोटल जिसमें कंट्रीज है वो 11 कंट्रीज है। बेसिकली इसमें क्या फोकस किया गया, नरेंद्र मोदी ने अपनी अध्यक्षता के अंदर ये बोला कि जिस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी डिपेंडेंसी है पेट्रोल पे, ईंधनों पे, वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे जो कार्बन एम्बिशन है, पॉल्यूशन लेवल है, पर्टिकुलर मैटर 2.5 है, ये सब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हम ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब ग्लोबल इकोनॉमी पूरी खराब हो जाएगी, तो ऐसे में अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पेट्रोल से अपने ईंधन को बदलना पड़ेगा। और ऐसे में ही एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की गई कई सारी कंट्रीज को जोड़ के, और अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने पेट्रोल के साथ इथेनॉल 20% इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। इथेनॉल जो होता है वो शुगर कैन, मक्का, इन सब से बनाया जाता है। तो पेट्रोल का जो पोर्शन है वो 80% रखा गया और जो इथेनॉल है इसको 20% रखा गया, जिससे देखा गया जो आउटपुट निकल के आया पेट्रोल के रूप में, रिफाइंड पेट्रोल, उससे जो कार्बन एम्बिशन है वो कम से कम होता है। तो इस अलायंस के अंदर, ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इस अलायंस के अंदर हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला के पेट्रोल को बना
बढ़ा के बेचेंगे, तो इससे कार्बन एमिशन एक लेवल तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, G20 सैटेलाइट। अब होगा क्या, ये जो 20 नेशंस हैं, अब वैसे 21 हो गए, ये सभी नेशंस मिलकर एक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और ये सैटेलाइट पूरी निगरानी रखेगा कि क्लाइमेट एक्शन कैसा चल रहा है। अगर कहीं क्लाइमेट ज़्यादा खराब हो रहा है तो वो पहले से ही सतर्क हो जाएं और वहाँ के लोगों को इधर उधर शिफ्ट कर दें, जो जान और माल का खतरा होता है क्लाइमेट एक्शन की वजह से वो ना हो। और वो पूरी तरह से क्लाइमेट पर एक्शन ये भी करेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, कितना उससे कार्बन एमिशन फैल रहा है, इन सभी चीज़ों को वो डिटेक्ट करेगा। भारत ने तो साफ साफ बोला, अगर आप लोग सिर्फ फंड प्रोवाइड कराओ, बाकी नासा हमारा बहुत बेस्ट है, नासा हमारा बहुत बेस्ट है, मतलब ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, और अगर वो काम नासा नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, आप हमारे इसरो को बताओ, हमारे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट बनाएगी, बस आप उनको सजेशन देते रहो और ना देना चाहो बस पैसा दे दो, काम तो हम अपने आप कर देंगे। और हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड में तो बहुत फेमस है कम से कम कॉस्ट के ऊपर सैटेलाइट बनाने के लिए, अभी चंद्रयान 3 आपने रिसेंटली देखा ही था, ठीक है। इसके बाद थर्ड है, G20 लीडर डिक्लेयर नोट्स नीड फॉर मोर फाइनेंस। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा इस पॉइंट के अंदर, कि अभी कुछ टाइम पहले मीटिंग के अंदर ही डिसाइड हुआ था कि 2050 तक पूरे वर्ल्ड को जीरो एमिशन पर लेकर आना है। भारत ने कहा कि हम इतनी जल्दी नहीं कर पाए बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशंस, हमें तो अपने प्रोडक्शन हाउस को बढ़ाना ही पड़ेगा भले ही उससे पॉल्यूशन क्यों ना, बट हाँ 2070 तक हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। इस टारगेट को अचीव करने के लिए अब हुआ क्या था कि वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं इन्होंने तो खूब सारा प्रोडक्शन किया, और खूब सारा प्रोडक्शन करने से इन्होंने धुआं हुआ खूब फैलाया, इससे क्या हुआ क्लाइमेट के अंदर चेंज आया। अब ये लोग सो के जाग रहे हैं, अब कह रहे नहीं क्लाइमेट को लेकर ना अब हमें सीरियस हो जाना पड़ेगा और प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अब जो डेवलपिंग नेशन है वो क्या बोलती है, अगर हम प्रोडक्शन कम कर दें तो हम तो डेवलपिंग नहीं बल्कि पुअर नेशन बन जाएंगे, हमें भी तो डेवलपमेंट करने दो, हमें भी तो प्रोडक्शन करने दो। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जितनी भी डेवलपिंग नेशन है जो आज प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है क्योंकि उनसे कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है, इन कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड कराओ। कौन कराएगी, डेवलप्ड नेशंस प्रोवाइड कराएंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे, डेवलपिंग नेशंस को, क्योंकि फाइनेंस देना बहुत ज़रूरी है। तुमने तो अपना काम बढ़ा लिया, तुमने तो अपना प्रोडक्शन खूब सारा करके अपने देश की इकॉनमी को डेवलप्ड बना लिया, लेकिन कितना पॉल्यूशन फैलाया तुमने। अब ऐसे में गरीब देश को तुमको पैसा देना पड़ेगा, और पैसों को लेकर यहाँ पर बात उठाई गई, यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर यहाँ पर मोदी जी ने एक स्मार्ट ट्रैक खेलते हुए ये बोला कि जिन कंट्रियों के पास पैसों की कमी है और वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही क्योंकि उनको रोका जा रहा है क्योंकि उससे कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा, उन कंट्रीज को बड़ी बड़ी कंट्रीज डेवलप्ड नेशन क्या देंगी, फाइनेंस देंगी। देख रहे हो मोदी जी ने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर बोली हैं, ठीक है। इसके बाद है वन फ्यूचर अलायंस, यानी वन फ्यूचर अलायंस का मतलब है कि भविष्य में हम सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा और जो ट्रस्ट इशू है इसको दूर करना पड़ेगा और ट्रस्ट को हमें बिल्डअप करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं प्रमोट करने है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर आए थे जिसके अंदर 17 गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, और हर साल इस पर रिपोर्ट आती है जिसमें हर कंट्री का देखा जाता है कि उन्होंने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर कितने गोल्स को अचीव कर लिया है। 6 पॉइंट, प्रमोट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ऑन इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पर जितने भी मल्टीलेटरल बैंक्स हैं वो कभी फाइनेंशियल और लिक्विडिटी क्रंच में ना जाए, उनके लिए अच्छे अच्छे क्या बनाना है, स्कीम्स बनाना और उनको टाइम टू टाइम फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा फोकस ऑन ग्लोबल साउथ एरियाज, साउथ एरियाज वो एरिया है जो कि पुअरेस्ट कंट्री के अंदर काउंट किए जाते हैं, हम उनके बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते क्योंकि बड़े बड़े लोग सिर्फ अपनी इकॉनमी को देखने के लिए काम करते हैं, अपनी इकॉनमी को सुधारने के लिए काम करते हैं, लेकिन पुअरेस्ट इकॉनमी के लिए कोई बात नहीं करता। बट इस G20 मीटिंग के अंदर यहाँ पर ये बात भी की गई है। और फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी, यानी कि हम जो कार्बन एमिशन वाली चीजें उनको छोड़ के ग्रीन एनर्जी पर यहां पर फोकस करेंगे। अच्छा, आपको मैं ताज्जुब की एक बात बताता हूं कि जैसे इंडोनेशिया में पिछले साल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मुद्दा उठा था यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर, मतलब इतना ज्यादा उठा था कि पूरी मीटिंग में कोई आउटकम्स निकल के ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि पूरी मीटिंग किस पर हो रही है, रशिया और यूक्रेन पर हो रही है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे और रशिया के जो रिलेशंस हैं, यानी जो भारत और रशिया के रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और लोग हमको क्रिटिसाइज भी करते हैं इवन कि आपने सब्सिडाइज रेट पर ऑयल खरीदा और कहीं ना कहीं इस पैसे का इस्तेमाल वो यूक्रेन को वॉर में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन हमने अपनी दोस्ती उनसे नहीं छोड़ी। और देखा गया कि इस मीटिंग के अंदर लोग हमको प्रेशराइज कर रहे थे, यूक्रेन की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि आप इस वक्त रशिया का एजेंडा जरूर उठाना, इस बात को जरूर उठाना कि रशिया ने हमारे साथ गलत किया। साफ साफ बताऊं, भारत ने इसको 1 से 2 बार उठाया होगा मुद्दे को, वो भी ऐसे नहीं, एक अलग तरीके से, जिससे एक सॉफ्ट कॉर्नर से, जिससे कहीं किसी को दिक्कत ना आए। और आप ये मान के चलिए कि भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर लोगों को ये लग रहा था कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया। उन्होंने बिना बोले फ्रांस जो सॉरी फ्रांस बोला मैंने कि जो रशिया है
रशिया के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला, ना ही यूक्रेन के बारे में बोला, यानी बहुत सेफ खेला उन्होंने। और कहीं ना कहीं से जो हमारे और जो रशिया के रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप होते हुए नजर आए। और जानते हो कई लोगों ने मुद्दा भी उठाया रशिया को लेकर उस मीटिंग के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 5 मिनट के अंदर एक बात ये बोली, उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह के पॉलिटिकल मुद्दों को यहाँ पर लेकर आएंगे तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कभी नहीं ला पाएंगे। फिर तो ऐसा करो कि अगर तुम्हें रशिया और यूक्रेन का मुद्दा उठाना है तो चलो हम भी पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, फिर तो हमारे पास भी पॉइंट्स हैं। अगर हमने क्या ये जो G20 क्या इसके लिए बनाया है ताकि आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को यहाँ डिस्कस कर पाओ? नहीं, आप अपनी इकोनॉमी को डिस्कस करो, पॉलिटिकल एजेंडाज को यहाँ लेकर मत आओ। और ये बात सबको समझ में आई और यही रीजन है कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का ज्यादा डिस्कशन ना होके बल्कि जो मेन डिस्कशन होना चाहिए था वो डिस्कशन हुआ। मतलब दैट इज कॉल्ड बी लीडरशिप क्वालिटी जो इस बार G20 के अंदर हमें देखने के लिए मिली। और यही रीजन है कई सारी कंट्रीज ये सोचकर बैठी थी कि G20 की इस मीटिंग को हम बॉयकॉट करेंगे और दिल्ली के डिक्लेरेशन को हम पूरी तरीके से नकार देंगे। लेकिन रियलिटी ऐसा हुई जो आज तक अभी G20 की मीटिंग में नहीं हुआ, यहां पर हमारे पास 73 आउटकम्स पर रजामंदी हुई और 39 एनेक्स डॉक्यूमेंट्स यहां पर बनाए गए, यानी टोटल 112 डॉक्यूमेंट्स यहां पर रजामंदी के अंदर रखे गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री और एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि जहां पर भारत को लेकर डाउट ये किया जा रहा था क्या नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंशियलशिप के अंदर क्या लोग कई सारे एग्रीमेंट्स कर पाएंगे, तो 73 आउटकम्स के ऊपर हामी भरी गई है और 39 एनेक्सर्स यहां पर प्रिपेयर किए गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से इंडिया ने जो है बढ़ चढ़कर यहां पर जो है अपने काम को प्रूफ किया कि हम वर्ल्ड के अंदर एक जगह रखते हैं और अब इंडिया वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो ये था आपका पूरा G20 का आउटकम। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आएगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर देना। सो नेक्स्ट क्लास में हम उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल।